आज विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ अनंत चतुर्दशी भी मनाई जा रही है। अनंत चतुर्दशी को लेकर सार्वजनिक दुर्गा स्थान मिर्चायबाड़ी कटिहार परिसर में अनंत पूजा यानी भगवान विष्णु की पूजा बड़ी धूमधाम से की गई। इस मौके पर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही थी। सभी श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। अनंत चतुर्दशी की महत्व को बताते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित धर्मेश चौधरी ने बताया कि भगवान अनंत की पूजा अर्चना एवं उनके कथा का अनुश्रवण करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा माना जाता है। अनंत चतुर्दशी यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा से सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को हम लोग अनंत भगवान का पूजा करते हैं और समुद्र मंथन के समय अनंत भगवान को हम लोग खोज के उसमें अनंत भगवान का पूजा किए थे। विष्णु के स्वरूप ही हैं वैसे तो वही अनंत पूजा करके हम लोग डोरा बांधते हैं और सालों भर डोरा बांध के और यह चतुर्दश बने 14 गांठ का यह जो अनंत रूपी जो सूत्र है उस सूत्र में हम लोग यह जो संसार है उसी सूत्र में बांधे रहते हैं। यही अनंत भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम लोग यह सालों भर यह चतुर्दश ग्रंथ जो ग्रंथि का जो धागा है वो धागा में बने रहें और सुख समृद्धि प्रदान करें। यह अनंत भगवान से हम लोगों का प्रार्थना करते हैं। और इसमें भगवान अनंत भगवान का कथा भी होता है और कथा पौराणिक कथा है, उसे पौराणिक कथा है और कथा को हम लोग पहले पूजा पूजन करते हैं उनका। पूजन करने के बाद कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग अनंत वो जो ग्रंथि चतुर्दश ग्रंथि का बंधन है धागा है वो हम लोग बांधते हैं जो हम लोग को सालों भर हम लोग का कल्याण करते रहें अनंत भगवान, यही से प्रार्थना करते हैं। शहर तो शहर गांव में भी अनंत चतुर्दशी की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इधर कोढ़ा नगर पंचायत के गीराबाड़ी बाजार में स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी मंदिर में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। श्रद्धालुओं द्वारा अनंत भगवान के जयकारे भी लगाए गए। अनंत चतुर्दशी की पूजा को लेकर मंदिर के पुजारी बमबम झा और लीलानंद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। साथ ही उन्होंने अनंत पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाओं के बारे में भी कहा है।